हेलो, जय माता दी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम तंवर, मैं आपका न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से बहुत 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 सारा स्वागत करती हूँ। तो अभी बजे हैं 6:30 और आज है दूसरी नवरात्रि। तो आप सभी को दूसरे नवरात्रि की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और सुबह के योगा वगैरह तो मैंने कर लिया है और अभी कर लेते हैं आगे के काम। तो प्लीज वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो मैं कर लेती हूँ अपने काम की शुरुआत। सो प्लीज वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, वैसे तो खैर शुरुआत सबके घर में ही झाड़ू से ही होती है, उसके बाद ही चाय वगैरह बनाई जाती है। सेम उसी तरीके से मैं भी सबसे पहले किचन में या मंदिर में झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद ही चाय वगैरह पीते हैं। और कुछ लोगों के तो खैर ऐसा होता है कि 5-6 बजे तक पहले घर को साफ स्वच्छ करके पूजा वगैरह करके ही चाय वगैरह बनती है, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा तो नहीं है। चाय वगैरह बना लेती हूँ नहाने से पहले ही, और बच्चे वगैरह जल्दी स्कूल जाते हैं तो उनका ब्रेकफास्ट भी पहले ही बना देती हूँ। और कभी टाइम मिलता है तो टाइम के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। टाइम मिलता है तो पहले नहा धो के तब ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल बिना नहाए धोए मैं ब्रेकफास्ट बना नहीं सकती या चाय वगैरह नहीं पीती। चाय पी लेती हूँ लेकिन आज मन नहीं है, आज पूजा वगैरह करने के बाद ही चाय पीऊँगी और ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊँगी उसके बाद ही चाय पीऊँगी, क्योंकि फास्ट रहता है तो चाय वैसे भी नुकसान करती है और अभी मन भी नहीं हो रहा। और लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है बस झाड़ू लगाने के तुरंत बाद चाय की ज़रूरत होती है, लेकिन आज नहीं है मन तो आज तो लेट ही पीऊँगी। तो फ्रेंड्स, फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ और यहाँ पर तो झाड़ू तो मैंने लगा ली है, अभी मंदिर बचा है। मंदिर में आज झाड़ू से झाड़ू नहीं लगाऊंगी, मंदिर में तो आज कपड़े से साफ करूंगी। और सुबह तो मैंने एक बार कपड़े से साफ कर दिया है और आज बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार को पोछा तो मैं नहीं लगाती हूँ। झाड़ू मैंने लगा दी है और बस दोबारा से झाड़ू ही लगा दूंगी, लेकिन मंदिर को तो साफ करना पड़ेगा तो मंदिर में लगा दूंगी पोछा मंदिर वाले कपड़े से ही। और एक सूखे कपड़े से मैंने मंदिर को सुबह ही साफ कर दिया है। और बस यहाँ पर ये पायदान वगैरह पड़े रहते हैं, इनको तो खैर डेली सेट करना ही होता है दिन में 2-3 बार। अभी यहाँ पर तो झाड़ू मेरी लग चुकी है और अभी बाहर तक लगाकर आ जाती हूँ, उसके बाद मंदिर की सफाई करूंगी। और उसके बाद बाहर तुलसी महारानी रखी हुई हैं, 2 तुलसी लगाई हुई हैं, तो दोनों तुलसी के आसपास झाड़ू लगा के आ जाती हूँ। तो अभी तुलसियों के पास तो बाद में झाड़ू लगाऊंगी, पहले मंदिर में पोछा लगा लेती हूँ। तो पहुँच चुकी हूँ मंदिर में और फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद जाऊंगी बाहर और दोनों तुलसी के आसपास सफाई करके आऊंगी। वैसे मैं डेली नहीं लगाती हूँ तुलसी के पास झाड़ू, क्योंकि वो बाहर रखी हुई हैं, लेकिन अभी नवरात्रि चल रहे हैं इस वजह से मैं डेली तुलसी के आसपास झाड़ू लगाने के बाद ही वहाँ पर जल चढ़ाने जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, फटाफट से ये काम निपटा लेती हूँ और मिलती हूँ आपको बाद में। वैसे तो साफ पड़ा रहा था लेकिन अभी पतझड़ हो रहा है, ऊपर से आंधी बरसात ने भी पागल कर दिया है इस बार, तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी पत्ते हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सफाई
करके आ गई हूँ तुलसियों के आसपास, और अभी चलती हूँ कर लेती हूँ पूजा। पूजा के लिए मैंने आग से कड़छी को सिलगा लिया है और यहाँ पर धूप वगैरह कर लेती हूँ। धूप सेम उसी तरीके से करती हूँ, दूसरा दीपक जला लेती हूँ और सामग्री वही पंचमेवा लौंग बतासे गूगल वगैरह चढ़ाकर सेम उसी तरीके से करती हूँ पूजा। तो कर लेती हूँ पूजा और मिलती हूँ आपको बाद में। तो यहाँ पर पूजा तो हो चुकी है और जल भी मैंने तुलसी में दे दिया है। आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी है। इतने कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मैंने पनीर रखा हुआ है, पनीर और आलू के मिक्स करके पराठे बनाऊंगी। आलू को ठंडा करने के लिए साइड में रख दिया है। प्याज, हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया कर लेती हूँ कट, क्योंकि मेरा ही तो फास्ट है, बाकी लोगों का तो नहीं है। तो सब लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और मैं यहाँ पर कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट की फटाफट से तैयारी। तो सबसे पहले प्याज कट कर लूँगी और लहसुन तो पराठे में नहीं पड़ता है, प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया, और उसके बाद आलू ठंडे हो जाएंगे। दो तीन आलू मिक्स करके इस पनीर में ही उसके बनाऊँगी फटाफट से पराठे। और प्याज आज नहीं आने लगी है ना मार्केट में, और इतनी तीखी होती है कि आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। तो यहाँ पर हरा धनिया, मिर्ची, प्याज सारी चीज़ें कट कर लिए हैं, आलू भी ले लिए हैं और पनीर को भी मैश कर लूँगी और साथ में इन आलूओं के भी, और दोनों चीज़ों को मिक्स करके पराठे अच्छे लगते हैं। तो आलू थोड़े गर्म ही हैं अभी, अभी इनको बस इस तरीके से मसल लिया है और प्याज, धनिया, मिर्ची को भी मिला लिया है। बहुत ज़्यादा तीखा मेरे यहाँ पर नहीं खाया जाता है, इसलिए मैंने एक बड़ी सी मिर्ची को ही कट किया है। अभी इसमें बेसिक मसाले डाल देंगे, नॉर्मली मसाले ही डालूंगी, हल्का सा गर्म मसाला ऐड कर दूंगी बस। तो यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दिया, नमक और मिर्ची और थोड़ा सा गर्म मसाला डाल के अच्छी सी स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। और पराठे तो खैर देसी घी में बनाओ और थोड़ी सी अच्छी से स्टफिंग तैयार कर लो, भले ही किसी भी चीज़ के हों, आलू, प्याज, गोभी वगैरह के सब अच्छे ही लगते हैं। यहाँ पर स्टफिंग को भी तैयार कर लिया है और बस एक रोटी बना ली है। फटाफट से ज़्यादा सी स्टफिंग लगाएंगे और एक थोड़ा सा मोटी लेयर वाला पराठा बेल कर लेंगे तैयार। तो यहाँ पर पराठा बेल लिया है, तवे को गर्म कर लिया है, फटाफट से पराठा डाल देंगे और देसी घी से लगाते हुए और चम्मच को चलाते रहेंगे और एक क्रिस्पी सा पराठा सेक कर लेंगे तैयार। तो यही छोटी सी मेरी वीडियो थी, सुबह का रूटीन कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर। और यहाँ पर ये पराठा हमारा सेक तैयार हो चुका है। इसी तरीके से चटनी और दही के साथ ये लोग पराठे खाने वाले हैं। तो कैसी लगी ये रेसिपी और आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो बस छोटा सा लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।